हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियाज रेसिपी बाय प्रियंका एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ चना मसाला की रेसिपी। चना मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत डिलीशियस बनता है, और जैसे छोले बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ, थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। तो चलिए बनाती हूँ। देख सकते हैं आप किस तरह से पक गया है, बिना मैंने किसी प्रेशर कुकर में नहीं बनाया, ओपन ही पकाया है। तो आप देख सकते हो अच्छे से पक भी गया है और बहुत ही टेस्टी बना था। तो चलिए बनाते हैं इसको। मैं कैसे बनाई हूँ आपको दिखाती हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ली, सबसे पहले मैं मसाला प्रिपेयर करूँगी। मसाले के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी, धनिया, गरम मसाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हींग एंड चाट मसाला 1 चम्मच। तो इन सबको मैं पानी डाल के एक पेस्ट बना लूँगी, फाइन पेस्ट। तो आप देख सकते, मैं इसको खोल दूँगी, अच्छे से मिला दूँगी एक दूसरे के साथ। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने छोड़ देंगे। जब तक मैं इसको रेस्ट करने छोड़ती हूँ, तब तक मैं आपको बाकी की सामग्री दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी मसाले को साइड में, और आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। मैंने लिया है भीगे हुए चने 1 बाउल, रात भर मैंने भिगो दिए थे धोकर अच्छे से, और ये मैंने 3 टमाटर पील कर लिए हैं, मतलब चॉप कर लिए हैं बारीक। और मैंने लिया है ओनियन बारीक कटा हुआ, बारीक लहसुन कटा हुआ, मैंने इतना बारीक किया हुआ है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो, पर मैं बारीक काट के रखी हूँ। और ये है जिंजर। तो चलिए बनाते हैं। और ये हमारा पेस्ट जो मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। तो चलिए बनाते हैं इसको। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें बनाऊँगी मैं। तो डालती हूँ मैं अपना ऑयल, ऑयल में थोड़ा सा ही यूज़ करूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो ये मेरा ऑयल जा चुका है कढ़ाई में, तो कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है। और इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले, तेज़पत्ता है, दालचीनी, जीरा, लवंग, काली मिर्च एंड 2 छोटी इलायची है मेरे पास। तो मैं इनको डालूँगी इस गर्म तेल में, ठीक है। तो चलिए डालते हैं। तो ये हो गया है, मैं जिंजर डाल दूँगी। जिंजर के साथ मैं डाल दूँगी गार्लिक। इसको पिंक होने तक चलाऊँगी, जब तक ये पक ना जाए तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी, कंटिन्यू स्टर करती रहूँगी, ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो आई थिंक ये हो गया है पिंक, आप देख सकते हो। आप और ज़्यादा पका सकते हो, पर मेरा पिंक हो गया है। अब इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, और इसको भी मैं पिंक होने तक पकाऊँगी प्याज को भी। कंटिन्यू स्टर करते रहिएगा, नहीं तो ये लग सकता है, क्योंकि मेरी स्टील की कढ़ाई है तो इसमें जल्दी लगता है। तो मैं इसको कंटिन्यू चला रही हूँ, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो। मेरा ब्राउन हो गया है, मेरा प्याज पिंक हो गया है, तो मैं टोमेटो ऐड कर दूँगी और इसको पकाऊँगी टोमेटो को इन अदरक लहसुन प्याज टमाटर के साथ। तो ये पक गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है मसाला जो मैंने रेडी किया था, और मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की थी उसमें, और थोड़ा सा नमक और डाला है क्योंकि कम था। और इसको अच्छे से चलाना है, इसको नीचे लगने नहीं देना है, कंटिन्यू स्टर करते रहिए आप। तो इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, वरना ये चिपक जाएगा। मेरी स्टील की कढ़ाई है तो इसमें चिपकने का डर ज़्यादा रहता है। तो मैं इसको कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ, आप भी करते रहिए। और देख सकते हैं आप, मसाला रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें चने डाल चुकी हूँ, मैं बताना भूल गई थी, और मेरे चने पड़ चुके हैं और मैं इसको सूट करना भूल गई थी। और 5 मिनट ढकने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, और इसको एक बार फिर से ढक के पकाऊंगी। थोड़ा सा भी कसर बाकी है, तो मैं इसको एक बार और ढकूंगी। और ये पक के रेडी हो गया, आप देख सकते हो कितना यम्मी और गुड लुकिंग है। आप देख सकते हो चना भी अच्छे से पक गया है मेरा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। गाइस, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।